पिछली बैठक में चार विधायक छोड़कर के बाकी सब विधायक उपस्थित थे, चार भी सूचना देकर के उपस्थित थी, जो कि उन लोगों का व्यक्तिगत शादी ब्याह का वाकई मौसम है, जो लोगों ने छुट्टी लिया था। तो आज की बैठक में एक तो कल राज्यपाल का अभिभाषण है, फिर अनुपूरक बजट भी पेश होगा, उस संदर्भ में भी थोड़ी चर्चा होगी, पार्टी को क्या करना कैसे करना उस पर तो आज विधायकों को दिशा निर्देश भी दिया गया। शेष दिशा निर्देश कल जब हाउस हो जाएगी तो इसके बाद आगे बता दी जाएगी। और उसके बाद विशेष रूप से, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व प्रारंभ हुआ है, झारखंड में थोड़ा विलंब से हुआ है, इसलिए विधायकों से हम सब लोग चाहते हैं थोड़ा सा उसको और स्पीड अप करना कम समय में, क्योंकि विधिवत रूप से 22 तारीख से प्रारंभ होगा। विधायकों को भी एक टारगेट दिया गया है और उस टारगेट से विधायक लोग कहीं अधिक और दूसरा क्षेत्रों में भी समय लोग निकालें, ताकि पार्टी कम समय में अधिक काम करे, अधिक हो जाए काम। कुल मिलाकर के इन्हीं दो बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। कितना टारगेट दिया गया सर विधायक? नहीं, विधायक को ऐसे हम लोगों ने टारगेट कहा कि अपने क्षेत्र में कम से कम 2000 तो जरूर बनाओ जी, लेकिन अपना क्षेत्र से अलग, अगर उस जिला में और भी क्षेत्र है या जहां विधायक नहीं है, उन सारे क्षेत्रों में भी पार्टी की ओर से उनको जिम्मेवारी दी जाएगी, ताकि वहां भी वो समय निकाल करके और कार्यकर्ता को और प्रेरित करें। क्योंकि कुल मिलाकर के हमने जैसा कहा कि क्योंकि यह अवसर है और इस अवसर का हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। अभी तुरंत विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ है और चुनाव में 59 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो मैं समझता हूं कि उसमें से 10% वोटों की तो इजाफा जरूर ही होनी चाहिए और उसकी सब लोग पार्टी के भी वर्कर मेहनत करेंगे, विधायक भी, सांसद भी, सब लोग उस काम में लगेंगे। कल सर अनुपूरक बजट आने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारी है? नहीं, अनुपूरक बजट तो सरकार पेश करती है, उसके बाद हमारे विधायक लोग कटौती प्रस्ताव डालते हैं, फिर परसों बहस के लिए जो समय सीमा निर्धारित होगी। तो इसलिए हमने कहा कि सब चीज़ें आज नहीं हो सकता था, कुछ चीज़ें कल तैयार तय हो गया और कुछ चीज़ें परसों तय हो गई। सर सीजीएल को लेकर के छात्र एक बार फिर से सर्वे को, मैंने आज देखा है कि जिस प्रकार से हजारीबाग में लड़के लोगों ने आंदोलन किया है और लड़कों की जो भीड़ दिखी है, और फिर आज भी कुछ छात्र हमसे मिले थे और उन लोगों ने पूरा तथ्यों के साथ जिस प्रकार से बताया, तो लगता है कि राज्य में गड़बड़ी हुआ है और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार से कि भाई लड़कों का भावनाओं का ध्यान रखनी चाहिए और पूरे मामले को आप सीबीआई से जांच करानी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जांच होगी तो जो गड़बड़ किया होंगे वो पकड़े जाएंगे और जो गड़बड़ नहीं है तो वो नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को जांच से भागने नहीं चाहिए, क्योंकि छात्रों का ही भविष्य नहीं है, नौजवानों का ही भविष्य नहीं है, बल्कि झारखंड का भविष्य का सवाल है। अगर बुनियाद ही करप्ट रहेगी तो फिर झारखंड का भविष्य क्या होगा, हम और आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। और सरकार अगर चाहती है करप्शन फ्री गवर्नमेंट, तो फिर बुनियाद को ठीक करना ही पड़ेगा, और बुनियाद को ठीक करने का एक ही रास्ता है। जो आज लड़कों में भी अविश्वास जो पैदा हुआ है सरकार के प्रति, क्या बोलते हैं, जैसे शीशे के प्रति
उस विश्वास को कायम करने के लिए राज्य सरकार को बिना विलंब किए सीबीआई जांच की रेफर कर दे। लेकिन आज हजारीबाग में सड़क जाम हुआ, एक आपके विधायक प्रदीप प्रसाद वहां पे गए, तो क्या बीजेपी इस आंदोलन को सिर्फ मोरली सपोर्ट करेगी, ये लांछन ना लगे कि फंडेड एंड गाइडेड बाय बीजेपी जो चुनाव से पहले लगता रहा, इसीलिए आप लोग इस बार सिर्फ मोरल सपोर्ट दे रहे हैं? नहीं, अगर विधायक वहाँ शामिल हुए तो मॉरल सपोर्ट कहाँ हुआ, तो प्रत्यक्ष रूप से हुआ। वो तो उनका क्षेत्र था, इसलिए उनका क्षेत्र था, जहाँ कहीं भी आंदोलन होगी तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसके साथ है, कहीं कोई पार्टी पीछे नहीं है, क्योंकि हम झारखंड की बुनियाद को बर्बाद नहीं होने देना चाहते, और हम सरकार से भी आशा करेंगे उस पर सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।